इस वक्त मैं मौजूद हूँ कारमा मूवी के ट्रेलर ग्राउंड पे। वी हैव सामा तला। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बताएं कि क्या मूवी है, क्या क्या काम किया है और एक्साइटमेंट तो बेनतहा है। आप सोच नहीं सकती हैं कितनी एक्साइटमेंट है इस वक्त। कारमा जो एक फिल्म है, ये एक ऐसी फिल्म है कि जब मैंने इसके बारे में सुना और उसकी स्क्रिप्ट जब मैंने पढ़ी तो मैंने फौरन बोला हाँ, मतलब क्या ये करना है। कौन सी ऐसी रिमेज थी उसमें? एक तो जॉनरा जो है, जॉनरा बिल्कुल ही अलग था, राइट। फॉर्मूला बेस्ड बिल्कुल भी नहीं है, सोच समझ के लिखा है इसको। और इसमें मज़ेदार गुंजाइश बहुत थी कैरेक्टर के साथ काम करने का, क्योंकि इसमें ऐसे, क्योंकि ये एक थ्रिलर है, रिवेंज थ्रिलर है, एक्शन है, कॉमेडी हरगिज़ नहीं है इसमें, मगर इसके मोमेंट्स बहुत ही एक्साइटिंग किस्म के। तो एज एन एक्टर मुझे बहुत खुशी हुई थी कि यार एक ऐसी फिल्म बनने जा रही है या बनाना चाह रहे हैं लोग, जिसमें मुझ जैसा अदाकार जो है उसको मौका मिले कि हम कुछ करें, कुछ दिखाएँ कि हम क्या कर सकते हैं। क्या कैरेक्टर है? मेरा कैरेक्टर हारून का है इसमें, और सिंपल बिजनेसमैन जो अगवा हो जाता है ऑफिस से निकलते हुए, और मैं इससे ज़्यादा मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा, अब तक आपने जितना भी काम किया है तो क्या डिफरेंस था और कितना मज़ा आया, अगर मैं आपको कहूँ 10 ऑफ तो? वेल सी, ये बहुत मुश्किल है ये कहना, क्योंकि ये बहुत मुख्तलिफ है। अब ये बात वो वाली है ना कि अगर मैं एप्पल्स और ऑरेंजेस के मैं कंपेयर करूँ, नहीं कर सकता मैं। जो हमारे ड्रामे होते हैं वो एक अलग किस्म के होते हैं, जो हमारी फिल्में होती हैं वो भी अलग किस्म की होती हैं। तो सिमिलरली ये भी जो फिल्म है ये बिल्कुल ही अलग किस्म की है, राइट। तो इसमें कुछ कहानी जाता है, कोई ऐसा मोमेंट हो, कोई ऐसा इंसिडेंट हो, कुछ ऐसा होगा जो यादगार और बड़ा मज़ा आया हो, थोड़ा सा? ओह, वो तो आप पहले फिल्म देखें फिर हम आपको बताएंगे। थोड़ा सा कुछ बताएं। उसमें कुछ मोमेंट्स हैं, कुछ कुछ जब होंगे ना, जिस वक्त वो होंगे और आप अपनी सीट से थोड़ा सा चौंकेंगे। लेकिन थोड़ा सा कुछ बताएं, चलो इससे हट के बता दें, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जो मतलब आपको मैंने एंजॉय किया हो? सो आई विल टेल यू व्हाट, अदर देन द सीन इटसेल्फ, राइट, हमें डायरेक्टर ने बहुत अच्छा मौका दिया था कि हम रिहर्स भी करें। और जब हम रिहर्स करने की बात करते हैं तो उसमें बनती हैं कहानियाँ, राइट। बहुत बहुत अलग नज़रिए से फिर एक्टर देखता है, डायरेक्टर देखता है, सब देखते हैं। तो वी हैड दैट थ्रू आउट, जब हम पूरा वक्त जब हम फिल्म करें तो हमें ये मौका था कि अच्छा अब ये सीन है, हमने इसके ऊपर रिहर्स किया हुआ है, हमें पता है कि हमने क्या शूट करना है, अब बताओ अब इसको और बेहतर किस तरह करें, जो कि That's amazing. It's just an amazing feeling. Yeah. अच्छा सामा, बताइए आजकल जो है ना, हमारे यहाँ शादियों का बड़ा सीजन चल रहा है। शादियों का बहुत सीजन चल रहा है, तो क्या कहेंगे आप शादी के बारे में? शादी के बारे में बिल्कुल करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। आई थिंक शादियाँ जी कितनी करनी चाहिए जितनी आपकी पहली बीवी आपको इजाज़त दे। कोई मैसेज जो आप अपने फैंस को देना चाहेंगे? प्लीज जरूर देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेलर देखिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, हम सबको बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये फिल्म, राइट। और अगर आपको अच्छी लगे तो आप जरूर जाके देखिएगा और फिर भी बताइएगा कि आपको कैसी लगी। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।